नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर या अध्याय पर, जिसका नाम है अंतर्जात वर्ग और बहिर्जात। इंग्लिश में इसको इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं। ये जो चैप्टर है यह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। आज की क्लास में कम से कम 50 से अधिक महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके पास जाने वाले हैं। इसी के कारण यह जो क्लास है यह जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण होती। हर क्लास अपने आप में प्री और मेंस को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन इस क्लास का अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण देखा। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आप मेरे विषय में और अन्य एकेडमी के विषय में जान लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि कैसे आप मुझसे और अन्य एकेडमी से जुड़कर अपने सपने के सफर पर आगे बढ़ सकते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जिस पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट भी हैं और आप एजुकेटर की लिस्ट भी देख सकते हैं। यह जो टॉपिक है इस पर बात मैं करूंगा, इसलिए आपकी जिज्ञासा मेरे विषय में भी जानने की होगी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मेरा जो अनुभव है वह मुखर्जी नगर दिल्ली के साथ साथ विभिन्न रीजनल सेंटर से जुड़ा रहा है और मैं पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से कंटिन्यूअस मुखर्जी नगर के विभिन्न संस्थानों में पढ़ाता रहा, इसलिए मुझे यह पता है कि बच्चे की डिमांड क्या होगी और कैसे उस डिमांड को फुलफिल करना है, कैसे बच्चे को बेसिक से समझाते हुए हमें आगे बढ़ना। ये जो मेरा अनुभव है आपको मेरे क्लास में दिखता भी होगा और इसी के कारण बहुत से बच्चों का मुझे प्यार भी मिल रहा है। अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है एक बार क्लास करके देखिए, अपने आप आपको लगेगा कि ज्योग्राफी सबसे आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करता हूं उसके विषय में सभी सूचनाएं और इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यह जो टेलीग्राम चैनल है इस पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर मैं आपके प्रश्नों का भी जवाब देता हूं और महत्वपूर्ण सूचनाएं वहां पर आपको दी जाती हैं, इसलिए आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। और जब आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी तो मेरा यह मानना है कि ज्योग्राफी आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। अब आपके लिए अनअकैडमी कई तरह के प्रयास समय समय पर करता रहा है और इन्हीं प्रयासों में आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए CSET और GS का जो है कि टेस्ट सीरीज चलवाई जाती हैं और इनको आप देख सकते हैं, आपके पास सब्सक्रिप्शन के विकल्प हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इस समय तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक रेफरल कोड यूज करना होगा जो कि मेरा रेफरल कोड है। इसको जैसे ही आप यूज करेंगे आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जब आपको ऐसा कोई भी आप कोर्स परचेज करें और उसमें कोई रेफरल कोड की आवश्यकता हो तो वहां पर मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा। और वह रेफरल कोड क्या है, SBLIVE। इस कोड को डालते ही आपको 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और सूचनाओं को देखते हैं। आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर ऑफ द टेस्ट सीरीज के प्रोडक्ट्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आप इसको देखिए और इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितने फीचर्स हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा देख सकते हैं न्यू कॉम्बो वीक चल रहा है इस समय और आपके लिए 22% प्लस 10% एजुकेटर कोड, और एजुकेटर कोड कौन सा यूज करना है, SBLIVE कोड यूज करना है। इसको यूज करते ही आप देख सकते हैं आपको फीस में कितनी ज्यादा बचत होगी, आप 27,000 से लेकर 37,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। लेकिन कोड कौन सा यूज करना होगा, आपको कोड यूज करना होगा SBLIVE। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी आपके पास विकल्प होते हैं, जहां पर पर्सनल कोच मिलते हैं, लाइव मेंटरशिप मिलता है, मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं, स्टडी प्लानर मिलते हैं और ओपन हाउस विद एजुकेटर की भी सुविधा आपको मिलती है, जो कि क्या
करती है, आपकी तैयारी के मार्ग में अगर कोई बाधा आ रही होती है तो उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आप देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट का आयोजन सीसेट स्पेशल इस समय किया जा रहा है। इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करिए और अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा इसमें करते हैं, तो आपको यह ऑफर यहां पर जो प्राइस है वह आपको मिल जाए। देखिए अब आपके लिए दो कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है प्लस जो है कि सब्सक्रिप्शन, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जो बच्चे अभी तक जो है कि अनअकैडमी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप प्लस को सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों दिया गया है, आप दोनों को देख लें, आपके हिसाब से जो फिट लगता है आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास एक कोड भी दिया गया है जो कि रेफरल कोड है और इस रेफरल कोड को जरूर आपको अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए इस कोड की जरूरत होगी, आपको फीस में काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। आपके पास जो है कि मंथली पे करने का भी विकल्प है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन में जब भी आप जो है एडमिशन लें आपको एसबी लाइव कोड यूज करना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन का भी विकल्प है और यहाँ पर भी सेम कोड यूज करिएगा, आपको 10% क्या हो जाएगा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप पहले की फीस और जो है कि डिस्काउंट के बाद की फीस को यहां पर आप देख सकते हैं। अब जब भी हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो कई बार आर्थिक बाधाएं हमारे मार्ग में आ जाती हैं और उनको दूर करने के लिए अनअकैडमी ने क्या किया है, आपके लिए ईएमआई का ऑप्शन रखा है। आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं, लोन अवेल करवा सकते हैं, 2 घंटे में अप्रूवल आपको मिल जाता है। अब देखिए जब आप आइकॉनिक जो है कि कोर्स लेते हैं तो आपको यह बेनिफिट मिलते हैं, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, एजुकेटर का कोड यूज कीजिए। आप मेरा कोड अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं, वो है एसबी लाइव। ठीक है बच्चों, चल अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर, और ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं इंडोजेनेट और एक्सोजेनेटिक फोर्स, अर्थात वह फोर्स, वह बल जो पृथ्वी के स्वरूप में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, इन फोर्स पर हम बात करेंगे। हम इस टॉपिक पर बात करें इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि लगभग जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात जो है फिजिकल ज्योग्राफी का एक यूनिट है जिसको बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। चलो बच्चों में थोड़ा सा लिखते चलते हैं और बहुत सी चीजों को हम कनेक्ट करेंगे। यहां पर मैंने आपको भू आकृति विज्ञान स्टार्ट किया था और भू आकृति विज्ञान में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना, और मैंने उसी समय आपको कहा था कि हमें दरअसल एक ऐसे डिसिप्लिन, एक ऐसी यूनिट को पढ़ना है जो अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की डिमांड करता। इसलिए हमने जब इस टॉपिक, इस पूरे यूनिट को स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहला कौन सा टॉपिक पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला पार्ट हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और उससे संबंधित अन्य कॉन्सेप्ट्स पर हमने बात किया, फिर हमने ज्वालामुखी वाले चैप्टर को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने भूकंप वाले चैप्टर, भूकंप और सुनामी के चैप्टर पर बात किया था, और आज इसी प्रयास में हम क्या करेंगे, हम अंतर्जात और बहिर्जात बलों पर बात करेंगे। अब मैंने देखिए ये जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इन सभी टॉपिक्स के जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज इस चैप्टर में हम करेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहते आया हूं कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो चैप्टर को अलग अलग करके मत पढ़िए, बल्कि एक दूसरे से इंटरलिंक करने का प्रयास करिए। जब आप इंटरलिंक करते हैं तो इससे क्या होता है, टॉपिक को आप साइंटिफिक तरीके से समझ पाते। वॉइस क्लियर है प्लीज सबको, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्लीज। इस टॉपिक के बेसिक से समझाया कीजिए, क्लास 7th की एनसीईआरटी पहले पढ़नी पड़ेगी। नहीं बच्चों, कोई एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। आपकी जो जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का मैं प्रयास बिल्कुल करूंगा, आप बस मेरे साथ मेहनत करते चलें। आपको मैं क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, पूरी ज्योग्राफी जो है कि आपके सामने प्रेजेंट करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसके साथ साथ जितने भी अन्य मैगजीन्स आते हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे, अर्थात आपके ऊपर सिर्फ दबाव जो है कि सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को समझाइए और अपने जो लेवल है उसको चेक करिए कि समझिए कि आपको अभी कितनी ज्योग्राफी आती है और अभी कितनी दूरी तय करनी है, और जो दूरी आप डिसाइड करें कि दूरी हमें तय करनी है, डेली उस दूरी को कम होते हुए आप पाएंगे मेरे साथ सिर्फ मेहनत करके। जो बच्चे ये जितने चैप्टर्स मैंने करवाए हैं वो कर चुके होंगे, मेरा दावा है आने वाले समय में उनके लिए ज्योग्राफी सबसे आसान होने वाला, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का तरीका
तरीका है वह ये है कि हमें समझे कर आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी जिसको मैंने कह दिया होगा इसको तो आपको याद करना। हर चीज के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ लॉजिक है, उन्हीं लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा कि आपको कोई अलग से एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, कुछ पढ़ के आनी है। हाँ, एनसीईआरटी बहुत जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, एनसीईआरटी पर भी हम बात करेंगे और क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में पूरा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। अभी जो बच्चे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है कि जो टॉपिक है आज हम इसको स्टार्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन इसका बेस बहुत पहले ही बन चुका है जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। तो प्लीज आप क्या करिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई वीडियो अगर नहीं मिलती है आप मुझसे बताइएगा, मैं पूरी प्ले लिस्ट आपके सामने रख दूंगा, उसको देख लीजिएगा। जैसे ठीक इसी तरह से मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका का क्या करा दिया है, मैपिंग का पूरा सेगमेंट करा दिया है। अब हम लोग बहुत ही जल्द साउथ अमेरिका के मैपिंग के सेगमेंट पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग आने वाले एक दो दिनों में क्या करेंगे, साउथ अमेरिका की मैराथन क्लास करेंगे और पूरा साउथ अमेरिका मैपिंग हम क्लास खत्म कर देंगे। लेकिन साउथ अमेरिका पर डायरेक्ट आप पहुंचे उससे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका पढ़ा चुका हूं, वहां पर मैंने बता दिया है कि मैपिंग कैसे करना है, क्या क्या तरीका होता है, किन किन चीजों को हमें लेकर आगे बढ़ना होता है। तो जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनसे मेरी गुजारिश है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और जो वीडियो अभी तक मैं बता चुका हूं वहां तक की चीजों को कवर कर लीजिए जिससे आगे की जो जर्नी है वो आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो सके। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये जितने चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं इन सभी की सूचनाएं आज क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे। इसलिए जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, मुझसे सुन रहे हैं, वह क्या करेंगे, सभी चीजों को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। अब देखो, जितने चैप्टर हो सके हैं उनकी कुछ चीजों को मैं यहाँ पे इस चैप्टर से इंटरलिंक करने का प्रयास करता हूँ और बीच बीच में भी हम लोग करते रहेंगे। इससे क्या होगा, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसका भी रिविजन हो जाएगा और इस चैप्टर की कुछ डिमांड है, कुछ आवश्यकताएं हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए, वो भी क्या हो जाएंगे, पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज आपसे एक गुजारिश और है बच्चों कि आप क्या करिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। कई बार मैंने देखा है आप पीडीएफ के भरोसे रह जाते हैं, तो पीडीएफ तो देखो मैंने डाल ही दिया है, मैं डाल ही रहा हूं, पीडीएफ आप तक जाएगा है। लेकिन सबसे अच्छा जो पढ़ने का तरीका होता है जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं वह यह है कि आप टेबल पर या कहीं पर जहां पर भी आप बैठे हो आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए आगे। क्योंकि पीडीएफ में तो क्या है, कुछ सूचनाएं हैं, अगर उन सूचनाओं को आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपके लिए तो क्या हो गया कि आपने यहां पर क्लास देखा और एक नोट्स मिल गया, उसमें आपका कोई एफर्ट्स नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, सुनते हुए देखते हुए कुछ नोट करते हुए चलेंगे और तब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आपको तो सब चीजें पहले से याद है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। सर कितनी क्लास होगी, बच्चों इसमें 5-6 क्लासेस होंगी है ना, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आप अपने दोस्तों को बुला लीजिए, आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोग हैं आज बच्चों, बहुत कम लोग हैं है ना, थोड़ा सा आप कुछ अपने दोस्तों को बुला लीजिए, जोड़ लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं टॉपिक को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आपसे फिर से आज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप कमेंट पर कम जो है कि जोड़ दीजिए, आप जो है कि पढ़ने पर फोकस कीजिए। जो आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल, पहले अपने दिमाग को एकदम दौड़ाइए, तेजी से एक्टिव करिए, सोचिए क्या इसका उत्तर मैं खुद निकाल सकता हूं कि नहीं। क्योंकि होता क्या है, आपके दिमाग में कोई प्रश्न आया तुरंत आपने टाइप करके पूछ लिया, आपके दिमाग की एक्टिविटी उसमें शामिल नहीं होनी बच्चों। इसलिए आपसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट पर कम से कम आप आइए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, आप जो है कि चीजों को पढ़ने पर फोकस करिए। इससे क्या होता है कि आप कई बार कमेंट्स कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग उसमें यूज नहीं होता, बहुत सारी चीजों का उत्तर आपको पता है लेकिन अपने ऊपर जोर नहीं डालते। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी सीखें और फिर जहां पे कोई दिक्कत आती है, नहीं कोई सॉल्व हो पा रहा है, तो आपको मैंने कहा कि मैं वीडियो के लास्ट में क्या करूं, क्लास के लास्ट में मैं बात करूंगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य आपसे मैं गुजारिश करूंगा। आप एक इतने बड़े पोस्ट पर आप जाने वाले हैं जिसको आप कल्पना करिए, आपको एक देश चलाना है, आपको एक राज्य
राज्य चलाना है, आपको एक जिला चलाना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और ऐसा जो ब्यूरोक्रेट्स हुआ कैसे होगा, क्या उसके अंदर कोई चीज आई तुरंत उसने बोल दिया? नहीं, उसका समाधान खोजिए और थोड़ा सा आप मुझे भी समय दीजिए। मैं ज्यादा कमेंट लूंगा आपका समय बर्बाद होता है बच्चों, इसलिए मैं बार बार कमेंट्स पर नहीं आता हूं। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं अच्छे से आपको डिलीवर करूं, पढ़ाऊं, लेकिन मेरी यह भी जिम्मेदारी है कि कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं उसको बताऊं, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। जब मैं आपसे पूछूं तब आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज आप पढ़ने पर फोकस कीजिए। मैं विश्वास करके चलता हूं आप ऐसा ही करने वाले। चलिए अब इस टॉपिक को हम समझते। अब देखिए, हमने यह कहा कि यह जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यह जो हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर हम क्या देखते हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर क्या है पठार है, कहीं पर क्या है मैदान है, तो साथ ही साथ कहीं पर हम यह देखते हैं घाटी है। अब ये देखिए, इसी यही जो संरचनाएं निर्मित हुई हैं, यह संरचनाएं निर्मित कैसे हुई होंगे, इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, दो तीन चीजें हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसको क्या किया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और प्रकृति के द्वारा किस लिए बनाया गया है, कि भगवान का मन था और उन्होंने लगा कि हम पृथ्वी पर क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत से पहाड़ बना दिए, मैदान बना दिए जहां पर लोग रहते हैं, और इसी तरह से नदी और तालाबों का विकास कर दिया। ये एक धार्मिक पक्ष हो गया। लेकिन अगर हम सोचें कि इनका निर्माण जो हुआ है वह किस तरीके से हुआ, किस कारण से हुआ, और साथ ही साथ भविष्य में कैसा इसका निर्माण होगा, कैसा इसका स्वरूप होगा, अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप है, ध्यान दीजिएगा, स्थल रूप का मतलब होता है लैंडफॉर्म, इसको इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं, कि जो कुछ भी पर्वत पहाड़ नदी घाटी तालाब जितने कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, अपने आप में स्थल रूप है। तो जितने भी स्थल रूप बने हैं इनके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, इनके पीछे कोई ना कोई प्रक्रिया रही होगी, पर्वत बनने की अपनी प्रक्रिया है, पठार बनने की अपनी प्रक्रिया है, और यह जो है कि किसी ऐसे कारक के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं जिनको दूसरा कोई कारक नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे गॉर्ज होते हैं, गॉर्ज का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जिसमें से गहरी घाटियां ऐसी होती हैं जिसमें से नदी प्रवाहित हो रही, लेकिन आप उसको ऐसे झांक कर अंदर की ओर देखेंगे तो आपको नजर नहीं आई। इतनी गहरी घाटियों का जो निर्माण है किसी न किसी प्रक्रम के द्वारा किया गया, और यह जो प्रक्रम है मान लो नदी के द्वारा, मैं कह रहा हूं ऐसी घाटी का विकास किया गया, तो उस घाटी का विकास हवा के द्वारा नहीं हो सकता, उसका विकास किसी अन्य कारक के द्वारा नहीं हो सकता। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने स्थल रूप हैं, इन स्थल रूप को बनाने वाले कुछ जो है कि प्रक्रम है, प्रक्रम का मतलब हो सकता है कि कुछ कारक है, और जब यह कारक कार्य करते हैं तो इनके लिए हर कारक अपने जो अपनी गति से क्या करता है, किसी चीज का निर्माण करता है, तो हर कारक अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, समय लेता है। जैसे डेल्टा का निर्माण हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन पर्वत का निर्माण हो सकता है जल्दी ना हो। अब हो गया कारक, हो गया यह कारक कोई ना कोई निश्चित समय लेगा, जब समय लेगा तो साथ ही साथ ये भी डिपेंड करेगा कि कोई कारक कितना क्षमतावान है, या फिर कोई कारक क्या हर जगह कार्य कर सकता है, नहीं, हर जो भी कारक होगा वह क्या होगा, किसी निश्चित दशा में ही स्थलाकृति का निर्माण कर पाएगा। अब निश्चित दशा का मतलब क्या है, निश्चित दशा का मतलब यह है कि आपने देखे होंगे जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत के जो टीले विकास होते हैं, सैंडस्टोन, रेत के जो टीले होते हैं बच्चों, यह कहां विकसित हो सकते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल में ही हो सकते हैं, और उस मरुस्थल में कब होंगे, जब शुष्क मरुस्थल हो, हवा क्या करे तीव्र गति से चले। यह जो निश्चित दशा है यह क्या बताता है कि जो बालू के टीले हैं उनका विकास क्या होगा, लद्दाख वाले क्षेत्र में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जो मरुस्थल की जो विशेषता कौन सी है, एक कि वहां पे बालू के ढेर हो, वहां पर बहुत गर्मी पड़ती हो, तीव्र गति की हवाएं चलती हैं। तो हर प्रक्रम जो भी स्थलाकृति का विकास करेगा, एक निश्चित प्रोसेस, निश्चित समयावधि और निश्चित कारकों के आधार पर वो अपना विकास करेगा।
अब ये जब स्थल रूप बन गए हैं तो आपने एक चीज और नोट किया होगा, स्थल रूपों का जो स्वरूप है वह परिवर्तित होता है। स्थल रूप के स्वरूप का परिवर्तन का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कुछ जो पर्वत है ना, या फिर कुछ आप पठार इनको देखिए, तो पहले क्या थे, बहुत ऊंचे हुआ करते थे और अब क्या है, यह उतने ऊंचे नहीं है। इसका मतलब क्या है, इनके स्वरूप में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि स्थलाकृति का विकास भी होता है समय समय पर और स्वरूप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और विकास और स्वरूप में परिवर्तन किसी न किसी कारक के द्वारा होता है। अब जो कारक हैं, इन कारकों को हम क्या कहते हैं, दो रूपों में देखते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होती है। मैं एक एक चीज को समझाऊंगा बच्चों, मैंने इसीलिए कह रखा है आपको मेरी क्लास में रटने की जरूरत नहीं है। रटना मैंने क्या कर रखा है, मना कर रखा है, तो प्लीज रटिएगा मत, चीजों को समझ कर आगे बढ़िएगा। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं ना, प्लीज सुन पा रहे हैं ना, सर अनअकैडमी प्लस पर आपका ज्योग्राफी का कोर्स कब लॉन्च होगा? बहुत जल्दी लॉन्च होगा बच्चे, बहुत जल्दी लॉन्च होगा। आप अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो SB लाइव कोड यूज कर लीजिए, आपको मेरा गाइडेंस मिल जाएगा और बहुत जल्दी कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। तो प्लीज अगर आप लोगों को लगता है कि हमें सुनील सर का मार्गदर्शन चाहिए तो प्लीज आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए मैंने कहा कि कुछ कारक, एक कारक क्या होंगे, फोर्स के रूप में होते हैं, ठीक है। फोर्थ ग्रुप के मतलब है, देखिए आपको दो कारक मैंने बता दिए, एक मैंने कारक आपको बताया था ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। अब आपने बच्चों ज्वालामुखी जब देखा, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा तो मैंने कहा कि इस ज्वालामुखी क्रिया से कई प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी पठार बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी संकुत बनते हैं। इसी के साथ साथ मैंने बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सील, डाइक्स, सीट, बहुत सी स्थलाकृतियों की चर्चा की थी। तो यह क्या था, एक कारक था, और एक कारक कहाँ उत्पन्न हुआ था, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुआ था, इसको हमने ज्वालामुखी कहा था। तो यह जो कारक है इसकी उत्पत्ति कहां हो रही, पृथ्वी के अंदर हो रही। ठीक इसी तरह से मैंने एक और कारक बताया था भूकंप, और मैंने कहा था भूकंप क्या करता है, बहुत बड़े क्षेत्र में परिवर्तन अचानक ला देता है, क्योंकि सडन उत्पन्न होता है, और उसकी भी उत्पत्ति कहां हुई थी, वह हुई थी पृथ्वी के अंदर। ठीक इसी तरह से बहुत से ऐसे कारक हैं जिनकी उत्पत्ति कहां होती है, पृथ्वी के ऊपर या फिर जो है कि वायुमंडल में होती है। पृथ्वी के ऊपर का और वायुमंडल में कैसे से, आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश में मिट्टी कहकर मिट्टी जो बहकर क्या होती है, दूसरे जगह पर चली जाती है। ठीक इसी तरह से बारिश के मौसम में नदियों के द्वारा कटाव ज्यादा किया जाता है। तो यह जो कटाव किया जाता है इससे क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। इन दो एग्जांपल से बस इतना समझ लीजिए, बाकी इसको अभी हम नए एंगल से समझेंगे। यह समझ लीजिए कि यह जो पृथ्वी है इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, नई स्थलाकृतियों का विकास होता रहता है, पुरानी स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ कारक हैं, इन कारकों को हम फोर्स के रूप में देखते हैं। अब एक नए सिरे से इस चीज को फिर से नोट डाउन करिए। मैंने कहा कि यह जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है बच्चों, एक सेकंड मुझे, है ना, ये हमारी पृथ्वी। अब ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर, एक मिनट बच्चों, सॉरी, ये हमारी पृथ्वी, अब ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर मैंने कहा कि जितनी स्थलाकृतियां होंगी इन स्थलाकृतियों का निर्माण किसी ना किसी फोर्स के द्वारा किया जाएगा। फोर्स का मतलब होता है बल। अब आप खुद समझिए कि कोई चीज का आप निर्माण करते हैं, आपने देखा होगा आप मिट्टी के खिलौने बनाते थे, तो मिट्टी को खिलौने को क्या करते थे, सब बनाने के लिए आप मिट्टी को पहले गूंथते थे, फिर उसको सॉफ्ट करते थे, फिर उसको शेप देते थे, तब उस शेप देने के प्रयास में आप हाथ से क्या लगाते थे, उसमें फोर्स लगाते थे। तो जितनी भी स्थलाकृतियां बनी हैं इन स्थलाकृतियों के बनने के पीछे कोई ना कोई फोर्स या कार्य, कोई ना कोई फोर्स या फिर कारक कार्य कर रहा होता है, और यह जो फोर्स है इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल का मतलब होता है ऐसे फोर्स जिनकी उत्पत्ति कहां होगी, पृथ्वी
पृथ्वी के अंदर होगी, और जब पृथ्वी के अंदर होगी तो ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे, अंतर्जात बल। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के द्वारा यह जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जिसमें मैंने आपको कई स्थलाकृतियां पढ़ा दिया है, इन स्थलाकृतियों का निर्माण कहां से होता है, ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी कहां से उत्पन्न होती है, पृथ्वी के अंदर से। तो यह क्या हुआ, अंतर्जात बल का एक तरह से एग्जांपल। ठीक इसी तरह से एक फोर्स होता है जो पृथ्वी के सतह पर बनेगा, और पृथ्वी के सतह पर बनने वाले बल को हम क्या कहेंगे, बहिर्जात बल कहेंगे। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर भी यही लिखा है कि अंतर्जात बलों से तात्पर्य उन बलों से है जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होती है। और अब देखो एक एक फैक्ट को नोट करते चलना। इनसे क्या होता है बच्चों, विषमता का सृजन होता है। विषमता का मतलब है कि मान लो यह कोई शेप जो है कि अचानक बन गया, और पहले यहां पर जो शेप था वह कुछ इस रूप में था, अर्थात यह एक पठारी क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया हुई और इसमें इस प्रकार का एक शेप बन गया। तो अब ये जो शेप बना, इसने क्या किया, पहले से बनी हुई जो स्थलाकृतियां थी उनके स्वरूप में परिवर्तन ला दिया। इसीलिए कहते हैं ये क्या करते हैं, विषमता का सृजन करते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर से जो बल उत्पन्न होते हैं उनको विषमता मूलक बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इन बलों की उत्पत्ति चूंकि पृथ्वी के अंदर होती है, तो प्रश्न आएगा कि आखिर पृथ्वी के अंदर ये फोर्स बनते क्यों है? तो इसके पीछे का एक कारण है तापीय विषमता। अब देखिए तापीय विषमता को बच्चों मैंने आपसे पहले ही शेयर कर लिया है, इसको नए तरीके से देखिए। मैंने आपसे कहा था पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा तापमान, और यह जो तापमान है यह मैंने बताया था 1100 डिग्री सेल्सियस से लेकर यह हो सकता है 2000 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज्यादा। और यह जो पृथ्वी के अंदर तापमान है वहां हमने कहा क्या कहा था, उसको नाम दिया था मैग्मा चेंबर नाम दिया था। तो जो मैग्मा चेंबर है, यह मैग्मा चेंबर में क्या है, मैग्मा। आपको पता है जब तापमान कहीं पर एक स्थान पर ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां से टेम्परेचर का फ्लो किधर होगा, लो टेम्परेचर के एरियाज में होता है। अब ये जो टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा तो क्या हुआ, आसान तरीके से होगा, नहीं। पृथ्वी के अंदर एक परत है लगभग 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई में, जहां पर मैग्मा बन रहा है। यह मैग्मा क्या करेगा, ऊपर आने का प्रयास करेगा। जब ऊपर आने का प्रयास करेगा तो किस वजह से करेगा, यह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर टेम्परेचर को ट्रांसफर करने के लिए। आप खुद समझिए कि आप क्या करते हो, कहीं पर जब आग जो है कि आग लगाते हो तो रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसकी गर्मी क्या करती है, बाहर की ओर भी मूव करती है। ठीक पृथ्वी के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो निकलने का प्रयास करता है, और मैंने कहा था कि यह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, संवहनीय तरंगों के द्वारा होता है। और संवहनीय तरंगे मैंने क्या बताया था, संवहनीय तरंगे ही क्या करती हैं, पृथ्वी के अंदर के मैग्मा को क्या करती हैं, वह बाहर लाती हैं, और मैग्मा को वह बाहर लाती हैं तो क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो देखो अगर पृथ्वी के अंदर यह लेयर नहीं होती, अर्थात तापमान समाप्त जो है कि समान होता, तो क्या होता, इस प्रकार की गतिविधि नहीं होती। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, चूंकि अधिक टेम्परेचर है, ऊपर की परतों में कम है, इसी के कारण यह तापीय विषमता कई प्रकार के फोर्स को जनरेट करता है, और उन्हीं फोर्सों में हमारा अंतर्जात बल है वह उत्पन्न होता है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर चट्टानों का जो फैलाव है और संकुचन की क्रिया भी चलती रहती। जैसे आप देखो ऊपर आप क्या करते हो, कोई चीज धूप में रख दो, आप देखते हो वह क्या करती, फैलती है। और फिर अगर उसको क्या कर, जैसे प्लास्टिक है बच्चों, प्लास्टिक को आप बहुत माइन्यूट तरीके से देखो, हुए धूप में रख दो तो फैल जाती है, मुलायम हो जाती है, लेकिन जैसे ही ठंडक होती है सिकुड़ती है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी जो आपकी जितनी चट्टाने हैं, ये चट्टाने फैलती और सिकुड़ती हैं, तो इस तरह से फैलाव और संकुचन की क्रिया होती है, और फैलाव और संकुचन और साथ ही साथ तापीय विषमता के कारण पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के बलों की उत्पत्ति होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम इंडोजेनिक अंतर्जात बल कहते हैं।
कहते हैं। अब जो बहिर्जात बल है वह हमने बता दिया कि पृथ्वी के ऊपर बनते हैं और इनको बोला जाता है समतल स्थापक। तो समतल स्थापक बल कौन से हैं? बहिर्जात बल। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, नदियां प्रवाहित होती हैं, तो क्या करती है, ऊंचे ऊंचे भागों को काटकर समतल बनाने का प्रयास करती हैं, इसीलिए इनको समतल स्थापक बल के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाए कि जो बहिर्जात बल होते हैं वो समतल स्थापक होते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर्जात बलों के कुछ आपके पास जो है कि उदाहरण, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, पटल विरूपणी बल है। अब देखो जो अंतर्जात बल है ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के इस वजह से होते हैं, कुछ बल तो है आकस्मिक होते हैं, जैसे आप देख सकते हो जो ज्वालामुखी की घटना है ये क्या है, अचानक होने वाली घटना। लेकिन कुछ बल ऐसे होते हैं जो बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं, बहुत धीमी गति से कार्य करके वो क्या करते हैं, पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे बलों को बोला जाता है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट इसको बोलते हैं। यह जो कौन सा बल है, आपने क्या सोचा है कि जो तिब्बत का पठार बना, क्या एक दिन में बन गया होगा? नहीं बना होगा। आपने यह भी देखा है कि बहुत से जो पर्वतीय भाग हैं, वह जो बने हैं क्या एक दिन में बने? नहीं बने। तो वह क्या है, लंबे समय से धीमी धीमी गति से बने हैं। तो जो अंतर्जात बल होते हैं वह भी क्या होते हैं, कुछ बल धीमी गति से कार्य करते हैं और इन बलों को पटल विरूपणी बल बोलते हैं। देखो अगला स्लाइड आपको मैं इसको समझा देता हूं। देखो जो मंद गति वाले बल हैं इन्हीं को बोला जाता है पटल विरूपणी संचलन, और इसकी वजह से क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में जो है कि कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चंस पूछा जाए कि जितने भी अंतर्जात बल हैं वो सब तीव्र गति से कार्य करते हैं, तो आप कहना नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें जरूर है कि भूकंप और जो ज्वालामुखी की घटनाएं हैं या जो बल है ये क्या करते हैं, ये अंतर्जात बल है और तीव्र गति से किसी स्थान में परिवर्तन ला देते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर से धीमी गति से कार्य करने वाले बल भी हैं जिनको हम पटल विरूपणी बल कहते हैं। अब ये जो अंतर्जात बल हैं इनके जो ये संचलन करते हैं, बल का मतलब है फोर्स, और फोर्स कैसे लगेगा, ये फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ डायरेक्शन में। तो देखो होता क्या, ये जो अंतर्जात बल है ये संचलन कैसे करते हैं, क्षैतिज भी करते हैं लंबवत भी करते हैं। क्षैतिज और लंबवत का मतलब क्या है, अब देखो कि मान लो यह जो है कि कोई एक स्थला करती है, और हमने कहा कि पृथ्वी के अंदर दो तरह के बल काम कर रहे हैं। अब एक बल यह भी हो सकता है कि धीमे धीमे बहुत 1-2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से इस भाग को ऊपर उठाए, और यह भाग क्या हो जाए, मान लो इतना ऊपर उठ जाए। तो यह जो धीमे धीमे उठने का कार्य है यह कैसे काम कर रहा है, यह लंबवत कर रहा है। अब ठीक इसी तरह से एक फोर्स ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लो कोई स्थला करती है इस पे इस डायरेक्शन से और इधर इस डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से जो है कि क्या करे, फोर्स पड़े और ये जो बीच वाला भाग है ये क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए। तो यहां पर हमको क्या पता चला कि अगर अंतर्जात बल क्या करें, दो बल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो यह क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो बीच वाला भाग क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो आप क्या करते हो, बार बार मैं एक एग्जांपल को देता हूं, सूजी का हलवा लो, उस पर दोनों तरफ से क्या करो, दबाव डालो, तो ऊपर वाला भाग क्या कर जाएगा, उसमें मोड़ पड़ जाए। तो दोनों तरफ से फोर्स लगा, और दोनों तरफ से कैसे लगा, क्षैतिज लगा। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत से भाग क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं, लेकिन वो ऊपर की ओर 1-2 साल में नहीं उठते बल्कि सैकड़ों सालों में उठते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो है कि किताबों में पढ़ा होगा कि किसी भाग के विषय में बताया जाता है, वह भाग पहले समुद्र के नीचे हुआ करता था, अब ऊपर उठ गया। ठीक इसी का दूसरा आपने रिवर्स सुना होगा, वह यह है कि पहले वह भाग ऊपर हुआ करता था लेकिन अब वो नीचे धस गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो क्षैतिज जो पटल विरूपणी बल है या जो अंतर्जात बल है वह सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं, किसी भाग को नीचे धसा देते हैं, तो कहना नहीं, वह क्षैतिज रूप में भी कार्य करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कहां पर क्षैतिज फोर्स काम करता है, कहां लंबवत फोर्स कार्य करता है।
तो ठीक है बच्चों, हमने यहां पर क्या समझ लिया कि जो अंतरजात बल है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो है आकस्मिक बल, जिसमें हम भूकंप और ज्वालामुखी को रखते हैं। दूसरा जो फोर्स है वह मंद गति वाले बल। इन बलों को हम पटल विरूपणी संचलन के रूप में जानते हैं। और जब यह पटल विरूपणी संचलन की बात आएगी, जो मंद गति वाले स्थलाकृतियों का बात आएगी, तो आपको पता है इन्हीं मंद गति के जो जो कि संचलन है, जो फोर्स है, इसकी वजह से पर्वत निर्माणकारी संचलन होंगे। पर्वतों का मतलब है कि यहां पर पर्वतों का निर्माण होगा, और जब पर्वतों का निर्माण होगा तो इसके लिए क्या होगा, ये जो पर्वत बनेंगे ये एक दो साल में नहीं बनेंगे बल्कि सैकड़ों साल में बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से समझो, जो मंद गति वाले फोर्स होते हैं इनको हम मुख्य रूप से इसको एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर लिखते हैं हम पटल विरूपणी संचलन। ठीक है, इसको इस रूप में लिखते हैं। अब फिर यह जो है कि क्या है, इसमें हम दो डिवाइडेशन करते हैं। पहला है महादेश जनक, यह है आपका महादेश जनक संचलन। महादेश जनक अर्थात इप्रोजेनेटिक। इसमें क्या होता है महादेश जनक में, कि कोई भाग क्या होता है ऊपर की ओर उठ जाता है या फिर कोई भाग नीचे की ओर धस जाता है। ठीक है, अब जो ऊपर की ओर उठता है उसको ऊपरी मुखी संचलन बोला जाता है, और जो नीचे की ओर धसता है उसको अधोमुखी संचलन बोला जाता है। इसी में एक शब्द है निर्गमन और एक शब्द है निमज्जन। इन दोनों का भी अर्थ मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, फिर दूसरा जो फोर्स से जो मंद गति से कार्य करता है वह कहां पर है, पर्वत निर्माण के समय। और पर्वत निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कई जगह आपको दिखाई देगा टेंशन तनाव फोर्स कार्य कर रहा है, अर्थात कोई भाग है वह अचानक टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो खड़े कगार वाले पर्वत का निर्माण होगा, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक इसी तरह से कई जगह पर्वतों के निर्माण में संपीडन होगा। संपीडन का मतलब दोनों तरफ से एक डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा। मान लो यह बीच का भाग है और इस पे क्या हुआ, दोनों तरफ से फोर्स पड़ा, और जब दोनों तरफ से फोर्स पड़ेगा तो क्या होगा, ये लहरदार पर्वत बन जाएगा। ठीक, दूसरा मैंने यहां पर क्या बताया था कि तनाव फोर्स। तनाव फोर्स का मतलब है कि मान लो यह भाग है, इस पे तनाव पड़ा और यह भाग टूट के इधर हो जाए, यह टूट के इधर हो जाए, और यह कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है तो क्या होगा, एक खड़े कगार वाला पर्वत बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हो आप समझ पा रहे हो। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज बहुत कम बच्चे हैं, क्या हुआ, कहीं छुट्टी उट्टी पे चले गए क्या, छुट्टी पे चले गए क्या आप लोग? ठीक है, चल आगे बढ़। यहां तक क्लियर हो गया? तो जो मंद गति वाले बल हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है महादेश जनक बल। महादेश जनक बल को इस रूप में समझिए, ये शब्द जुड़ा हुआ है महाद्वीप से, अर्थात स्थल के या उसके किसी भाग का बड़े क्षेत्र में जब कोई परिवर्तन होता है तो इसको महादेश जनक, अर्थात महाद्वीप से जुड़ा हुआ शब्द, तो उसको महादेश जनक संचलन बोलते हैं। ठीक इसी तरह से अगर धीमी गति से कार्य करने वाला जो बल है वह क्या करे, पर्वतों का निर्माण करे, तो उसको बोलेंगे पर्वत निर्माणकारी बल। अब जो महादेश जनक संचलन है इसमें ये क्या हो सकता है, ऊपरी मुखी भी हो सकता है। ऊपरी मुखी का मतलब है कोई भाग क्या करे, ऊपर की ओर उठ जाए। जब ऊपर की ओर उठ जाएगा तो ऊपरी मुखी, अगर कोई भाग नीचे की ओर धस जाएगा तो उसको अधोमुखी बोलेंगे। अब इसी में एक शब्द है बच्चों निर्गमन। ठीक है, निर्गमन, निर्गमन का मतलब यह है कि कोई कोस्टल एरिया वाला जो भाग है वह क्या करे, ऊपर उठ जाए। ये जितनी टर्मोलॉजी है ना यही आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है किस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, अभी सभी शब्दों की मैं व्याख्या करूं तो निर्गमन का मतलब क्या है कि कोई तटीय क्षेत्र है वो तटीय क्षेत्र क्या करे, नीचे से फोर्स आए उसको ऊपर उठा दे। तो इसीलिए आपने कई जगह किताबों में पढ़ा होगा कि ये जो कोस्टल एरिया है जहां पर अभी पेट्रोलियम मिलता है, कोई खनिज मिलता है, वो पहले नीचे धसा हुआ था और वह क्या आ जाए, जब ऊपर आ जाए तो उसको निर्गमन बोलते। अगर कोई भाग जो मान लो कोई तटीय क्षेत्र है, कोई भाग है वह नीचे की ओर चले जाए तो क्या बोलेंगे, अधोमुखी। और अधोमुखी क्षेत्र जो कोई कोस्टल एरिया नीचे की ओर जाता तो उसको बोलते हैं निमज्जन। ये जितने शब्द हैं ना बच्चों, चलो अब एक-एक करके मैं इन शब्दों को आपको समझाता हूं। ठीक है, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, आकस्मिक बल, यह बल कुछ ही समय में स्थल पर विषमता ला देते हैं, जो पटल विरूपी संचलन होते हैं निम्न गति से कार्य करते हैं, प्रभाव हजारों वर्षों में होता है और इनके द्वारा पर्वतों का निर्माण किया जाता है, पठारों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ये चीजें लिखी हुई है। जो महादेशीय संचलन है इसका शब्द ये जो है कि बना हुआ किससे, ये इस शब्द को देखो, इपरोजेनेटिक को देखो, तो इसमें एपिरोज का जो शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप होता है, तो इस प्रकार का निर्माण जो किसी बड़े एरिया में होता है उसको महादेश जो है कि क्या बोलते हैं, महादेशीय संचलन बोलते हैं। अब देखो महाद्वीप में क्या हो सकता है, कोई भाग ऊपर उठ सकता है, कोई भाग नीचे धस सकता है, कोई भाग जो है कि अगर ये देखो यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, इसमें एक शब्द है उत्थान, दूसरा है अवतलन, तीसरा है निर्गमन, चौथा है निमज्जन। तो देखो उत्थान का मतलब क्या है कि महाद्वीप के किसी भाग का अपने समीपवर्ती भाग से ऊपर उठ जाना। मान लो यह जो है कि एक महाद्वीप था और इसका यह वाला जो भाग है पहले यहां तक था, अब क्या करे यह ऊपर की ओर उठ जाए, तो इसको बोलेंगे उत्थान। तो देखो महाद्वीप के किसी भाग का समीपवर्ती भाग से ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है, उत्थान कहलाता है। दूसरा शब्द है निर्गमन, निर्गमन मतलब तटीय भाग का सागर तल से ऊपर उठ जाए। अब ये देखो महाद्वीप है तो मान लो इस इधर क्या है आपका समुद्र, ठीक है बच्चों, ये आपका समुद्र वाला क्षेत्र। अब जो समुद्र वाला क्षेत्र है तो इसका क्या होगा, कोई कोस्टल एरिया, मान लो यह कोस्टल, यह जो कोस्टल एरिया है यह क्या करे ऊपर की ओर उठ जाए, अगर यह ऊपर की ओर उठता है तो इसको बोलेंगे निर्गमन, अर्थात वह क्या है ऊपर आया। तो निर्गमन का मतलब है तटीय भाग का सागर तल से ऊपर उठ जाना, जो कि पहले नीचे था, पहले कहां था, यहां था, अब उठकर क्या करे ऊपर की ओर आ जाए या इसके बराबर यहां पर आ जाए, तो इसको बोलेंगे निर्गमन। तो अगर उत्थान पूछे तो आप समझ लीजिएगा कि ये कोई भाग है जो ऊपर उठा है जिसका संबंध स्थल से है। अगर वह कहे निर्गमन और निर्गमन के संदर्भ में वह आपसे स्टेटमेंट बना के पूछे तो समझ जाइएगा वह किसी कोस्टल एरिया की बात कर रहा है जो पहले नीचे था लेकिन अब ऊपर उठ गया है, ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद होता है अवतलन, अवतलन का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, तो जो अवतलन है वह कहा वो नीचे होगा, तो जो अवतलन शब्द यूज किया जाता है अगर आपसे पूछे कि अवतलन क्या है तो आप कहना किसी स्थल भाग का, किसी स्थल भाग का अपने समीपवर्ती भाग से क्या होना नीचे की ओर जाना। जैसे अभी हमने क्या बताया था, उत्थान बताया था, उत्थान में हमने क्या कहा था ये भाग है और ये भाग, ये वाला जो भाग है क्या करे ऊपर की ओर उठ जाए, ठीक इसी तरह से अगर यह जो भाग है ये क्या करे नीचे की ओर धस जाए तो और कहां पर हो रहा है ये महाद्वीप पर हो रहा है तो इसको बोलेंगे अवतलन। वहीं अगर ये जो यहां पर मान लो एक तटीय क्षेत्र, यहां तटीय क्षेत्र इसका भाग है और इसके ऊपर जल भरा हुआ, अगर ये तटीय क्षेत्र और नीचे की ओर चला जाए सबमर्ज हो जाए और तो इसको बोलेंगे निमज्जन, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया उत्थान, ठीक है, उत्थान, निर्गमन, अवतलन और निमज्जन, ये चारों शब्द क्लियर हुए कि नहीं। यही जो शब्द हैं आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ लिए जाएंगे, आपसे कह दिया जाएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक, और ठीक। अब देखो हमने यहां पर महादेशीय संचलन को समझ लिया और हमने क्या समझा, महादेशीय संचलन का तात्पर्य उस संचलन से है जिसके द्वारा महाद्वीप के बड़े भाग में क्या होता है परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें समझना है जो है कि पर्वतीय संचलन। तो देखो यहां पर जो चार शब्द हो चुके हैं उनको ध्यान रखना, आगे यूज होगा। अब हम बात करते हैं पर्वतीय संचलन, वह बल जो क्या करता है पर्वतों के निर्माण में सहायक होता है उसको पर्वतीय फोर्स या पर्वतीय संचलन या जो है कि माउंटेनिक मोमेंट बोलते हैं। तो पर्वतीय संचलन क्या है, जिसके द्वारा पर्वतों का जो निर्माण होगा या उसके स्वरूप में क्या होगा परिवर्तन होगा। यह जो पर्वत निर्माण का बल है सामान्यतः क्षैतिज रूप में गतिशील होता है। क्षैतिज रूप का मतलब है कि जो बल है मान लो इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में लगेगा, यह जो बल है इस डायरेक्शन में कम लगता है, ठीक है, यह बल सामान्यतः क्षैतिज रूप में गतिशील होता है, ठीक है। अब जब पर्वत का निर्माण होगा तो इसमें दो फोर्स कार्य करेंगे, एक फोर्स होगा तनाव बल और तनाव बल के द्वारा ही चटकन और दरार होगा। तनाव बल का मतलब है मान लो यह वाला भाग है एक, इस यह भाग क्या, इसमें क्या हो कि कोई फोर्स इसको इस डायरेक्शन में खींचे, कोई फोर्स इसको इस डायरेक्शन में खींचे, और ये जो फोर्स कौन से होंगे मैंने आपको क्या बताया था पिछले चैप्टरों में, जो संवहनी तरंगे हैं वह क्या करती हैं पृथ्वी के अंदर मूव करती हैं, जिधर वह मूव करती हैं उसी डायरेक्शन
डायरेक्शन में क्या होता है, सभी चीजें मूव कर जाती हैं। तो अब सोचो कि अगर क्या हो, इस चट्टान पे दो डायरेक्शन से फोर्स लगे तो बीच वाले या किसी भी भाग में क्या होगा, तनाव होगा, और इस तनाव से क्या होगा, चटकेगा ये भाग, फिर क्या होगा, दरार होगा, और दरार होने के बाद क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे आप कहते हो नर्मदा नदी है या जो है कि ताप्ती नदी है, ये क्या नदी, ये जो नदियां हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं, ये भ्रंश घाटी कैसे बनी होगी, वह जो भाग कैसे टूट के अंदर गया होगा, दोनों तरफ के जो भाग हैं उनमें तनाव पड़ा होगा, बीच का भाग टूटा होगा और अंदर की ओर बैठ गया होगा। तो अब ये जो आप और देखो जो पश्चिमी घाट जो आपका नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, और इनके किनारे देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेंगे। ठीक इसी तरह से जो पश्चिमी घाट पर्वत है, तो आपको देखो मैं इसका एक चित्र बना देता हूं और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखिए एक सेकंड बच्चों, ये देखो यहां पर आपको पता है ये आपका पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, तो आपको पता है ना बच्चों ये पश्चिमी घाट जो पर्वतीय क्षेत्र है ये कैसे बना है? दरअसल यहां का जो किनारे का भाग है वह टूटकर कहां चला गया, समुद्र में चला गया। इसी के कारण यह जो भाग है इसको जब आप इधर से देखते हो तो खड़ा एक पर्वत कगार के रूप में दिखाता है, लेकिन ये कैसे टूटा है, इसमें पहले ये जो भाग टूटकर नीचे की ओर बैठ गया है, इसमें पहले क्या हुआ होगा, चटकन हुआ होगा, दरार बना होगा, और दरार के बाद क्या हो गया होगा, भ्रंश बन गया होगा, वह भाग इससे अलग हो गया होगा, और उस भाग के अलग होने के बाद ये जो भाग बना जो कि हमें पर्वत के रूप में महसूस होता है, इसमें फोर्स कहां काम कर रहा होगा, दो दिशाओं में कार्य कर रहा होगा। तो देखो हमने यहां पर पर्वतों के निर्माण में एक तो बात की किसकी, तनाव बल की। दूसरा है कि जब पर्वत बनते हैं तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है यह वाला फोर्स जिसमें आमने सामने से फोर्स लगता है। देखो अभी तो हमने क्या कहा, यह वाला भाग था और इसमें मान लो इस डायरेक्शन से में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यह भाग टूट जाता है, टूट जाता है, तो हमने बोला था तनाव बल। अब क्या हो, यही भाग इस डायरेक्शन में है, और यह भी तो हो सकता है इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगे, इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगे। ऐसे कंडीशन में यह जो बल है इसको बोलते हैं संपीडनात्मक बल। संपीडन का मतलब होता है तो वह उसमें संकुचन होना। संकुचन कैसे होगा, यह मान लो बीच में हम कोई पदार्थ रखें उस पर दोनों तरफ से फोर्स लगाएं तो यह भाग क्या होगा, मुड़ जाएगा, और जब यह मुड़ जाएगा तो इस पर क्या हो सकता है, पर्वतों का निर्माण हो सकता है, और यह जो पर्वत का निर्माण होगा इसी को बोलेंगे पर्वत निर्माण कार्य संचलन। और इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, संपीडनात्मक फोर्स का, और इस संपीडनात्मक फोर्स कहां से लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है। ठीक है, तो पर्वत निर्माण में दोनों फोर्स कार्य करते हैं, तनाव बल भी और संपीडनात्मक भी। तनाव बल क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, और जो संपीडनात्मक बल होते हैं वो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। यहां तक क्लियर, प्लीज बताइए क्लियर क्या। कुरेशी कह रहे हैं आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख लीजिएगा, यहां से ज्वाइन कीजिए, बाकी बाद में देख लीजिएगा। बाकी सब लोग सुन पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं ना, क्लियर है सब, क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हो गए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की जो पूरी क्लास है इसमें बहुत सी टर्मोलॉजी ही आपको मिलने वाली है, और यह जो टर्मोलॉजी है पहले एक बार हम पूरा समझेंगे, और फिर मैं क्या करूंगा मुश्किल से 5 मिनट में सबको रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन समझते हुए बच्चों आगे बढ़ो, प्लीज समझते हुए आगे बढ़ो, रटिए मत, याद मत करिए, क्लास के साथ बने रहिए, पेशेंस रखिए और भरोसा करिए थोड़ा सा मुझ पर भी और अपने आप पर भी। चल यहां तक हमने समझ लिया कि आखिर ये जो पर्वत निर्माण का संचलन है कैसे कार्य करता। अब इसमें कई शब्द और आपको समझने, पहला शब्द है बच्चों एक होता है संबल। ठीक है, संबल इसका क्या होता है, भूपटल का विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाए या फिर क्या हो जाए, नीचे धस जाए, तो इसको बोलते हैं आपका संबल। संबलन देखिए क्या हो कि इसमें देखिए यह कोई बड़ा सा भाग है, ठीक है, और बड़ा सा भाग क्या करे, इस पर दोनों तरफ से देखो इसमें एक शब्द देख रहे हो बलन, बलन के आगे स लगा है शब्द, तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने कहा ये जो संपीडनात्मक बल है इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में दो तरफ से फोर्स लगता है, और दो तरफ से फोर्स लगता है तो यह भाग क्या हो जाता है, इस रूप में मान लो हो जाता है। ठीक इसमें भी देखो ये संबलन है, इस
इसमें भूपटल का जो विकास क्या होगा, या तो ऊपर उठ जाए या नीचे धस जाए। तो देखो अगर इस पर आप फोर्स डालोगे तो कोई भाग क्या करेगा, ऊपर उठेगा, तो कोई भाग ऊपर उठेगा तो कोई भाग क्या करेगा, नीचे की ओर धसेगा। इसको बोलेंगे संबलन। दूसरा है उत्संबलन। संपीड़न के कारण धरातल के बीच गुंबदनुमा आकार में ऊपर उठ जाए। अर्थात यह जो फोर्स है, फिर से ये लो, आप ऐसे करो, ये देखो, ये क्या करो, आप इस पर इस डायरेक्शन से फोर्स डालो, इस डायरेक्शन से, और ये क्या करे, बीच वाला भाग ऐसे उठ जाए, उसको बोलते हैं उत्संबलन। ठीक है बच्चों, उत्संबलन। संबलन समझ में आ गया। भूपटल का भूपटल अर्थात पृथ्वी का बड़ा भाग या तो ऊपर उठ जाए या फिर नीचे धस जाए, इसको बोलेंगे संबलन। जबकि उत्संबलन क्या, उत्संबलन क्या मतलब है कि इसमें भी सेम जो है कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, धरातल के बीच का जो भाग है वह गुंबदनुमा आकार में क्या कर रहा है, ऊपर उठ जा रहा है। ठीक है, तो ये जितनी चीजें आ रही हैं आप याद रखिएगा, ये नोट करके चलिएगा, ये टर्मिनोलॉजी के रूप में आपसे ये पूछी जाती। अब एक शब्द है इसी से असंबलन। असंबलन नीचे की ओर मुड़कर, जैसे कि अभी मैंने क्या कहा, एक फोर्स लगा और फोर्स लगने से यह भाग क्या हुआ, ऊपर उठ गया। अब कह रहे हैं कि इस पर क्या हो, मान लो यह एक भाग है, इस पर फोर्स लगे और फोर्स लगने के कारण यह भाग क्या हो जाए, इस रूप में। अर्थात यहां पर एक सेकंड बच्चों, इसको मिटाते हैं। ठीक है, यह मान लो एक भाग है, इस पर क्या हो, इस डायरेक्शन से फोर्स लगे, इस डायरेक्शन से फोर्स लगे, और यह कुछ इस रूप में दोनों तरफ से भाग क्या हो जाए, दब जाए। तो देखो यह जो गड्ढे नुमा या बेसिन नुमा संरचना बनेगी, इसको बोलेंगे डाउन रेफ्ट अर्थात असंबलन। असंबलन, ठीक है। अब देख रहे बच्चों, अब यही शब्द, इसीलिए मैंने आज आपसे कहा ये जो क्लास है, इसका जो नेचर है, इसमें क्या है, बहुत से टर्मोलॉजी आएंगे, बहुत से फैक्ट्स आएंगे, और जितनी टर्मोलॉजी और फैक्ट्स आएंगे वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी महत्वपूर्ण। तो अब आप समझ गए, असंबलन का मतलब है कि बेसिन नुमा एक संरचना, एक गड्ढे का निर्माण हुआ। अब इसी से एक और शब्द जुड़ा हुआ है, बृहद संबलन, ब्रॉड रेफ। इसमें क्या हुआ, ऊपर उठने या नीचे धसने की क्रिया जब हजारों किलोमीटर। तो अभी मैंने कहा वो इससे पहले देखो एक जो शब्द था, देखो असंबलन समझ लिया ना आपने। असंबलन में क्या हो रहा है कि एक बेसिन रूप, ये दोनों तरफ से फोर्स बढ़ा और जो बीच का भाग है बेसिन रूपा हुआ। अब देखो इससे पहले मैंने आपको एक शब्द बताया, ये देखो उत्संबलन, इसके कारण क्या होता है, गुंबदनुमा आकार बन जाए। ठीक है, गुंबदनुमा यह जो है आकार मान लो बन जाता है, इसको बोलते हैं उत्संबलन। अब देखो इसी से जुड़ा हुआ है बच्चों, एक से एक से, हाँ देखो अब इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है ये जो बृहद संबलन है, ऊपर उठने या नीचे धसने की जो क्रिया है वह हजारों किलोमीटर। अर्थात जो गुंबदनुमा शेप है, जो आप पठार वाले भाग देखते हो, जब इनका विकास हजारों किलोमीटर में हो, कई सौ किलोमीटर का भाग या तो ऊपर उठ जाए या फिर नीचे धस जाए। ऊपर उठेगा तो लगभग एक पठार नुमा संरचना होगा, नीचे धसेगा तो लगभग एक घाटी नुमा संरचना होगा। जब यह क्रिया बहुत बड़े एरिया में होता है तो उसको बोलते हैं बृहद संबलन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं इन सभी चीजों को पहले पढ़ा दे रहा हूं, फिर बहुत क्विक रिवीजन करेंगे, है ना, 5 मिनट में सभी चीजों को हम लोग रिवाइज कर लें। अब आते हैं फोर्स पर। फोर्स अर्थात जो है कि बलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो फोर्स का मतलब क्या है कि देखिए बलन पड़ रहा है, और बलन का हमने क्या कहा, इसको सिंपल समझो, इस डायरेक्शन से फोर्स डालो, इस डायरेक्शन से फोर्स डालो, बीच के भाग क्या हो जाए, इसमें फोर्स पड़ जाए, इसको बोलते हैं जो है कि बलन। तो क्षैतिज संचलन के कारण चट्टानों में जो लहर नुमा मोड़ पड़ता है उसको बोलते हैं बलन की क्रिया। और जो बृहद संबलन अभी मैंने बताया, जिसका प्रभाव कहां होता है, हजारों किलोमीटर में होता है, उसके छोटे स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, बलन। तो बलन अगर आपसे पूछे कि बलन जो है कि बृहद संबलन का एक छोटा रूप है, कहिएगा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बृहद संबलन में भी तो क्या है, बलन जो है कि वलन है, लेकिन इसके साथ बड़ा एरिया कवर कर रहा, लेकिन जो वलन है वह छोटे एरिया में होता है। अब देखो जब इस प्रकार कोई क्या होगा, भाग ऊपर उठ जाएगा, ये उसमें बलन पड़ जाएंगे, मान लो ऐसे, ठीक ऐसे। अब तो इसमें क्या होगा, एक भाग ऊपर उठेगा, ठीक है, तो ऊपर उठे हुए भाग को अपनति, एंटीक्लाइंस, ठीक है। जब मोड़ पड़ता है ना बच्चों, आप खुद देखो किसी चीज पर जब दबाव डालो तो
कोई भाग ऊपर उठ जाएगा, तो जो भाग ऊपर उठ जाएगा उसको बोलेंगे अपनति, जो भाग नीचे धस गया जैसे ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो इसको क्या बोलेंगे अभिनति। ठीक है, ये आपसे सब पूछा जा सकता है कि किसका क्या मतलब होता है। अपनति का मतलब जब फोल्ड्स पड़ रहे हैं तो उसमें ऊपर उठा हुआ भाग अपनति, जब अभिनति का मतलब जो नीचे धसा हुआ भाग, इसको बोलते हैं बच्चों अभिनति। ठीक है, तो अपनति और अभिनति, अब अभी मतलब नीचे की ओर जाना, अप मतलब ऊपर की ओर जाना, तो जब फोल्ड्स पड़े तो जो भाग ऊपर उठा वो अपनति का, जो भाग नीचे धसा वह क्या है अभिनति का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ है एक शब्द सममित अपनति, अर्थात सिमेट्रिकल एंटीक्लाइंस। अब देखो इसमें शब्द क्या है सममित अपनति, अपनति है, देखो इसमें है अपनति है, और उस अपनति में एक शब्द जुड़ गया है सममित, अर्थात अपनति के दोनों ओर जब ढाल क्या हो बराबर हो। अब देखो मैंने कहा अपनति का मतलब क्या है भाग का ऊपर उठ जाना, तो अगर दोनों ओर का जो ढाल है वह बराबर हो, ये जो ढाल आप देख रहे हो दोनों तरफ का ढाल अगर बराबर है तो इसको बोलेंगे सममित अपनति। सममित मतलब होता है ऐसा जो अपनति जिसके दोनों ढालों का जो झुकाव है, ढाल का जो डिग्री है वह एक जैसी हो। इसी के साथ है असममित अपनति, असममित जैसे ये सममित का हो गया, अब क्या करो मान लो ऐसे है, अब देख सकते हो इसका ढाल कुछ अलग है, इसका ढाल कुछ अलग है, इसको बोलेंगे असममित अपनति। अपनति है लेकिन ढाल में क्या है अंतर है। उसके बाद होता है एक शब्द है सममत समपनति, अर्थात एंटीक्लिनोरियम, जब इसमें क्या होता है एक बृहद अपनति के अंतर को कई छोटी छोटी अपनतियां और अवनति। अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, यह कह रहा है कि मान लो यह एक मिनट पूरे को मिटाता हूं, इसमें क्या कह रहा है कि एक बड़ी सी अपनति, बृहद अपनति, बड़ी सी अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अवनतियां। अब देखो ये एक सेकंड, हाँ ये देखो, ये देखिए, ठीक है, यह भाग क्या हो गया ऊपर की ओर उठ गया। अब देख रहे हो उसको, यह भाग ऊपर की ओर उठा है लेकिन इसमें भी कई भाग ऊपर उठे और नीचे धसे हुए हैं, तो इस तरह से यह क्या हो गया कि एक अपनति, अपनति का मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, और इसको और इस रूप में देख लो बच्चों, इसको छोटा इमेज में बना के दिखाता हूं, एक सेकेंड देख, हाँ मैं इसको छोटा इमेज, मैंने कहा कि यह जो है कि अब देखो ये रहा आपका अपनति, ये रहा अभिनति, और इस अपनति में भी देखो बहुत से छोटे छोटे अपनतियां और छोटे छोटे अभिनतियां हैं, इनको बोला जाता है समपनति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, मुझे पता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, क्या कह रहे हैं थोड़ा सा, ये देखो टर्मोलॉजी है, इनको नहीं समझोगे स्किप करोगे नहीं हम छोड़ देते हैं तो काम नहीं चलेगा, लेकिन यहां पर आप रिवीजन कर लो। और मैंने आपको क्या बोला था, इनके जितने एग्जांपल होंगे सब मैपिंग में हम देखेंगे। यहां पर टर्मोलॉजी इसलिए परिचित होना है क्योंकि यहीं पर बच्चे घबराते हैं और यूपीएससी क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं बच्चों जहां हम और आप क्या करते हैं घबरा कर छोड़ देते हैं। घबराना नहीं, देखो सभी चीजें समझ में आ रही। समपनति क्या है, जब एक बृहद अपनति, देखो ये बृहद अपनति, ठीक है, इसके अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां, अब देख रहे हो इसमें भी यह भाग अपनति है, यह भाग अपनति है, यह भाग अपनति, और यह जो भाग है यह क्या है अभिनति, यह भाग कौन सा अभिनति, तो नीचे वाले जो भाग हैं वह क्या है अभिनति, तो इसको बोलेंगे समपनति। मैं फिर से इसका रिवीजन करवाऊंगा, पहले एक बार समझ लो फिर क्विक रिवीजन इसका करेंगे। ठीक है, और देखो जो अब कहीं पर अगर समपनति बनती है तो इसको बोला जाता है पंखाकार बलन। देखा होगा आपने पंखा ऐसे जो हवा हम लोग करते हैं उस वो भी कुछ इसी रूप में होता है, इसी के कारण इसको भी पंखाकार बलन बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे क्या समपनति और पंखाकार बलन एक ही है, तो कहना हां सर लगभग एक ही जैसे दोनों होते। ठीक है, लगभग एक ही जैसे दोनों होते। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आज बहुत कम लोग हो बच्चों, मतलब इतने कम लोग हो कि टीचर डिप्रेशन में आ जाए, हाँ कहाँ चले गए सब लोग। अच्छा आप लोग भी मैंने देखा है ऐसे टॉपिक पढ़ने आते हो जो बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं,
और उनको पढ़ने आते हो, लेकिन मैं एक बार बताता हूँ, सिलेबस का सभी एक एक चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। जो लोग ये वीडियो नहीं देख पाए, आप उनसे बात करिएगा, आपको पता चलेगा कि यह चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इससे इतने प्रश्न बनते हैं बच्चों, इतने प्रश्न बनते हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, अभी जो है कि कल की क्लास में क्या करूंगा मैं, कल मैं आपके लिए ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आऊंगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और उन क्वेश्चंस को क्या करना है आपको सॉल्व करना। तो जितना ज्योग्राफी आप पढ़े हो, कल आके आप मेरे साथ क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। जो अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आप डेली क्लास में आते हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का धन्यवाद। मैं आभारी हूं आप लोगों का कि आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं। होता क्या है ना बच्चों, जैसे ज्यादा लोग रहते हैं तो कई बार ऐसे बच्चों से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो हम लोग जिन पर ध्यान नहीं देते, तो उसके बहाने से क्या होता है, आपका भी अच्छे फैक्ट्स आपके पास पहुंच जाते हैं। कोई कह रहे हैं कि सॉरी लेट हुए, कोई बात नहीं बच्चों, आपके बहुत से काम है, आपका जीवन है, वैसे भी वैलेंटाइन वीक खत्म ही हुआ है अभी, है ना, तो बहुत से आपके जीवन में कार्य हैं, ठीक है। किस टॉपिक पर क्वेश्चन होंगे, यह जो है कि पूरा जो जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन है उसके क्वेश्चंस होंगे, और 50 क्वेश्चन में से, ध्यान रखना टारगेट क्या होगा, 50 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 40 प्लस क्वेश्चंस करना है, 40 प्लस क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, मैं सबका समाधान करूंगा, बस आगे बढ़ने दीजिए। अब देख रहे हैं ना, हर चीज दूसरे से जुड़ रही है, अब इसी में बार बार क्वेश्चंस लूंगा तो ब्रेक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लीज, ठीक है। तो हम लोगों ने समपनति तक चीजों को पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक सेकंड बच्चों, एक क्या हो गया, इमेज जो है कि गलत बन गई, कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा, एक बार मैं इस चीज को रिवीजन करवा दूं, फिर थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हाँ बच्चों, यहां से देखना, मैंने डिस्कस किया, बस दो मिनट में रिवीजन कर रहे हैं, आप दिमाग को क्यूक कीजिए एकदम। मैंने कहा दो तरह के फोर्स कार्य करते हैं जो जिसकी वजह से पृथ्वी पर परिवर्तन आते हैं। एक को बोला मैंने अंतर्जात बल, जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंतर्गत अंदर से होती है, उनको अंतर्जात बल कहते हैं। दूसरा जो होता है बहिर्जात बल, अर्थात पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होने वाले बल, जो बाहर उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जात बल कहते हैं। और ये जो अंतर्जात बल होते हैं, इनके द्वारा विषमता लाई जाती है, जैसे ज्वालामुखी तुरंत क्या करता है, एक्टिव होता है और क्या करता है, विषमता ला देता है। जो बाहर के बल होते हैं वह क्या, जैसे नदियां हैं, हवाएं हैं, हिमानी है, ये क्या करते हैं, उन ऊपर जो बने हुए भाग हैं, पर्वत पठार, उनको काटकर समतल बनाने का प्रयास करते हैं। तो बहिर्जात बल भी हमने बता दिया। अब देखो जो अंतर्जात बल है, मैंने बताया ये भी दो रूप में कार्य करते हैं, जब बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं, अचानक घटित हो जाते हैं, इनको बोलते हैं आकस्मिक बल, और इसका एग्जांपल दिया था मैंने ज्वालामुखी और भूकंप। दूसरा होता है पृथ्वी के अंदर से ही बल काम कर रहा होता है, धीमी गति से काम कर रहा होता है, उसको बोलते हैं पटल विरूपणी बल, जो कि मंद गति से कार्य करता है। जो मंद गति से कार्य करने वाले बल हैं उनको पटल विरूपणी बल बोलते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक के द्वारा महाद्वीपीय जो है कि महाद्वीप के किसी बड़े भाग में परिवर्तन लाया जाता है, इसको बोलते हैं महादेशजनक संचलन। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े स्थलीय भाग में कोई भाग ऊपर उठ जाता है या कोई नीचे धस जाता है। ठीक इसी तरह से मंद गति से कार्य करने वाले बल जिसको हम पटल विरूपणी बल बोलते हैं, तो उसमें एक हो गया महादेशजनक संचलन जिससे महाद्वीपों के क्षेत्र में परिवर्तन, दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन अर्थात जिससे पर्वतों का निर्माण या उसका स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो इसमें भी देखो पर्वत निर्माणकारी बल में हमने बताया एक तो तनाव फोर्स के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है और दूसरा होता है दोनों तरफ से सेम डायरेक्शन में जब फोर्स पड़ता है, ये दोनों तरफ से फोर्स पड़ा बीच वाले भाग पर तो उसमें क्या हो जाएंगे, फोर्स बन जाते हैं, बलन बन जाते हैं, इसको हमने समझा। फिर होता है यह जो बल होते हैं हमने इनको बताइए क्या क्या होते हैं और इनका जो प्रभाव है वो भी हमने बताया। फिर हमने कुछ टर्मोलॉजी देखा, देखो एक शब्द होता है अवतलन, अवतलन का मतलब होता है स्थलीय भाग का अपने समीवर्ती भाग से नीचे की ओर धस जाना। दूसरा शब्द होता है निमज्जन, ठीक यहां से देखा, हाँ बच्चों दूसरा शब्द होता है निमज्जन, निमज्जन का मतलब है कोई कोस्टल एरिया वाला भाग नीचे की ओर धस जाए। और एक शब्द हमने यहां पर देखा था उत्थान, उत्थान का मतलब क्या होता है, कोई महाद्वीप का कोई भाग
रहे हैं वो ऊपर की ओर उठ जाए, अपने समीपवर्ती क्षेत्र से ऊपर की ओर उठ जाए, उसको बोलते हैं उत्थान। दूसरा होता है निर्गमन। निर्गमन का मतलब कोई कोस्टल एरिया वाला भाग जो पहले जल के अंदर था अब क्या हो जाए ऊपर की ओर हो जाए, उसको बोलते हैं निर्गमन। ठीक है, फिर हमने देखा पर्वतीय संचलन। पर्वतीय संचलन में भी हमने देखा दो तरह से बल इसमें कार्य कर रहे थे। इसमें एक टर्मोलॉजी हमने देखा वह था संबलन। जो संबलन होता है इसमें क्या होता है कि पृथ्वी का कोई बड़ा भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है, इसको बोलते हैं संबलन। दूसरा है उत्संबलन। इसके कारण क्या होता है संपीडन के कारण धरातल के बीच में एक गुंबद नुमा संरचना, पर इसको मैंने किस रूप में बताया था कि मान लो यह भाग है और इस भाग पर दोनों तरफ से फोर्स पड़े तो बीच का भाग क्या हो जाए गुंबद नुमा हो जाए, उसको बोलते हैं उत्सवल। फिर उसके बाद हमने देखा क्या देखा था अवसंबलन, अर्थात इसमें क्या होता है दोनों तरफ से फोर्स पड़े और दोनों तरफ से फोर्स पड़े तो बीच वाला भाग क्या हो जाए यह बेसिन नुमा संरचना के रूप में बन जाए, इसको बोलते हैं अवसंबलन। फिर हमने देखा बृहत संबलन। इसमें क्या होता है जो ऊपर उठने और नीचे धसने की जो क्रिया होती है वह कहां पर होती है हजारों किलोमीटर के एरिया में होती है, इसको बोलते हैं बृहत संबल। और मैंने कहा इसी बृहत संबलन के छोटे रूप को हम क्या बोलते हैं बलन बोलते हैं। बलन का मतलब होता है फोल्ड पड़ना, मोल्ड पड़ना। और ये जो मोल्ड पड़ता है ये कैसे होता है जब सेम डायरेक्शन में दो दिशाओं से क्या करता है फोर्स लगता है। जैसे कि यहां पर देखो इस डायरेक्शन पर फोर्स लगा, इस डायरेक्शन फोल्ड लगा, बीच वाले भाग में क्या जाए फोल्ड पड़ जाए। अब देखो जब फोल्ड पड़ेगा तो एक भाग क्या होगा ऊपर उठेगा एक नीचे धसेगा। ऊपर उठे भाग को अपनति, नीचे धसे हुए भाग को हम बोलते हैं अभिनति। ठीक है, फिर एक शब्द आया सममित अपनति, अर्थात अपनति के जब दोनों ओर के ढाल, जैसे मान लो यह एक है तो इसके दोनों ओर के ढाल का जो ढाल है वह बराबर रहे, उनका जो ढाल की डिग्री है उनका मान जो है वह बराबर रहे, इसको बोलते हैं सममित अपनति। दूसरा होता असममित अपनति। इसमें भी ऊपर उठा हुआ जो भाग है इसका ढाल एक ऐसे है, एक का ढाल ऐसे है, आप देख सकते हो कितना खड़ा है ये थोड़ा सा कम ढाल वाला है, तो इसको बोलते हैं असममित अपनति। अगला जो हमने टर्मोलॉजी देखा था सम अपनति। इसमें क्या होता है बृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां। अब देखो ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कह रहे थे अपनति, एक भाग ऐसे ऊपर उठा फिर लेकिन इसमें खुद से खुद जो है कि कई तरह के आप देख सकते हैं यह भाग ऊपर उठ गया, यह भाग ऊपर उठ गया, यह भाग और ये नीचे धस गया ये नीचे, तो एक अपनति जो है बड़ी सी अपनति के अंतर कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां, आप देख सकते हो अपनतियां और यह अभिनतियां जब मिलती है तो इसको बोलते हैं समपनति और इसको पंखाकार बलन भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम बोलते हैं जो है कि इसमें क्या बलन के विषय में हमें बात करना है। तो देखिए बलन जो होता है वो क्या है, मैंने कहा दो तरफ से जब फोर्स पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले सममित बलन, तो मैंने सममित बलन को ही अभी आपको बताया कि एक मान लो यह है और इसमें क्या हो ये अभी इसका ढाल थोड़ा खराब हो गया, इसमें डिग्री ढाल का जो झुकाव है, हाँ बच्चों ठीक है, ये देखो इसको बोलेंगे सममित बलन। का मतलब क्या है कि जिस ढाल की दोनों भुजाओं की जो लंबाई और ढाल क्या हो समान। तो इसमें देखो सममित बलन में क्या चीज हम देख रहे हैं कि जो भुजाएं हैं दोनों उनकी लंबाई और ढाल क्या हो समान हो, तभी क्या होगा उसको सममित बल करें। अब ये जो समान ढाल वाले जो बलन है इनका विकास कैसे होगा, जब दोनों तरफ से जो दबाव है बराबर पड़े, अर्थात इधर से भी दोनों तरफ से जब समान दबाव पड़ेगा तभी बीच वाला भाग समान रूप से ऊपर उठ पाएगा, तो इसको बोलते हैं सममित बलन। ठीक है, अब ये जो सममित बलन होते हैं इसको सरल मोड़ नाम भी दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा मोड़ सरल मोड़ है, तो आप कहेंगे कि यह जो सममित बलन होता है अर्थात जिसके दोनों ढालों की लंबाई प्लस ढाल समान होता है वह उसको हम क्या बोलते हैं आप जो है कि सरल मोड़ बोलते हैं या सममित बलन बोलते हैं। इसका जो उदाहरण है वो स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है। अब देखो बच्चों यहां पर जी इमेज थोड़ा सा उल्टी हो गई है, एक सेकंड रुकिए बच्चों, देखते हैं कुछ हो सकता है क्या इसमें।
नहीं हो सकता, ठीक है चलो। अब दूसरा है असममित बलन, मैं बनाते चलूंगा। असममित बलन, दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल क्या हो, असमान हो। अब देखो बलन से ही बना है, लेकिन यह क्या मान लो ऐसे है और यह ऐसे। अब देखो यह जो भुजा है छोटी है, इसका ढाल भी अलग है, तो इसमें क्या हुआ, दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल क्या है, असमान है। तो इसका ढाल और लंबाई अलग है, तो इस प्रकार के बलन को बोला जाता है असममित बलन। तीसरा है एक द्विगुणक बलन, इसमें एक भुजा बिल्कुल खड़ी और दूसरी जो है कि क्षैतिज तल के लंबवत। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये देखो ये एकदम खड़ी और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो एक द्विगुणक बलन मोनोक्लिनर किसको बोलते हैं, एक एक जो भुजा है बिल्कुल खड़ी हो और दूसरी क्या हो क्षैतिज तल के लंबवत। तो क्षैतिज मान लो ये देखो आपका क्षैतिज तल है, ठीक है, उसके बिल्कुल जो है कि लंबवत हो, तो इस प्रकार को बोला जाता है एक द्विगुणक। और इसका जो एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्या कह रहे हैं बच्चे, सब ठीक है आप लोग, सब ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किसका भाग है, किसका एग्जाम्पल है, एक द्विगुणक का है, जिसमें एक भुजा बिल्कुल खड़ी आप देख सकते हो बिल्कुल खड़ी, तथा दूसरी भुजा क्षैतिज तल के क्या होती है, लंबवत होती। फिर है अधिबलन, एक भुजा की जो एक भुजा बिल्कुल खड़ी ना होकर आगे की ओर निकली होती है, अर्थात इसको देखो बच्चों यह ऐसे करके है ना, तो दूसरी भुजा की लंबाई कम और झुकी हुई होती है, ठीक है। तो अब देखो इस प्रकार का अगर ढाल बन जाए तो उसको बोलते हैं ओवरफोल्ड होना, अर्थात अधिबलन की कंडीशन होना। अब होता है आइसोसममित बलन, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर लेकिन क्षैतिज नहीं, अर्थात यह मान लो ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए, फोल्ड दोनों तरफ से ऐसे पड़ा कि लगभग एक ऐसी कंडीशन हो जाए, तो इसको बोलेंगे सममित बलन। बच्चों मैं इसको इसलिए तेजी से करा रहा हूं क्योंकि आपको क्या करना होगा, इसको जैसे मैं बना रहा हूं बना बना के प्रैक्टिस करना होगा, है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको करके दिखाऊं, इसलिए मैं आगे थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये हो गया सममित बलन, जहां समझने वाली चीज आएगी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब होता है परिवलन, अर्थात जो दोनों भुजाएं समानांतर और क्षैतिज है, इसमें क्या होता है बच्चों कि यह देखो यह फोल्ड पड़ा और यह फोल्ड ऐसे पड़ गया, ठीक है। एक भुजा दूसरे भुजा के क्या हो जाए, समानांतर और क्षैतिज दिशा में, आप देख सकते हो क्या है क्षैतिज दिशा में आ जाए, तो इसको बोलते हैं परिवलन। अगला जो है वह है प्रतिबलन, इसमें बलन की एक भुजा टूटकर दूसरे पर विस्थापित हो जाए, अर्थात यह जो भुजा है यह क्या हो, रुक जाओ इसको हम बनाते हैं नए सिरे से, ठीक है। इसमें क्या होता है एक भुजा टूटकर दूसरे, अब मान लो दो यह दो भुजाएं हैं, ठीक है, ऐसे बनी हुई। अब क्या हो, यह वाला जो भुजा है ना टूटकर इसके ऊपर क्या हो, ओवरलैप हो जाए। एक दो भुजाएं थी, एक भुजा टूटकर दूसरे पर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो उसको बोलते हैं आप प्रतिबलन। और यह जो भाग टूटकर यहां पर आया है इसको बोलते हैं ग्रीवाखंड और नेपे, ठीक है बच्चों, ग्रीवाखंड और नेपे इसको बोलते हैं। अब आओ भ्रंशन पे, ठीक है, ये वाला जो है यहां पर थोड़ा सा समझने वाली चीज है, तो थोड़ा आप इजी से हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, आप एक ही और की क्लास लीजिए। अच्छा बच्चों क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, एक ही और की क्लास लें बच्चों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, फिर टॉपिक कैसे पूरा होगा, बहुत सी चीजें हमें पढ़नी है, अब इसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ाना है और भी चीजें पढ़ानी है, कैसे होगा फिर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां से देखो बच्चों समझने वाली चीजें स्टार्ट होती हैं, तो चीजों को हम समझें। आज की क्लास वैसे भी देखो बच्चों छोटी है, ठीक है, आज की क्लास वैसे भी छोटी है, तो आप परेशान मत हो। अब देखो इसमें है एक भ्रंशन, भ्रंशन, ठीक है, भ्रंशन। अब देखो क्या होता है, भ्रंशन का मतलब होता है कि यह कोई भाग है ना, यह कोई भाग है, ठीक।
अब इस भाग पर क्या हो, यह इस डायरेक्शन में और यह इस डायरेक्शन में फोर्स अगर काम करे तो इसके वजह क्या करेगा, यह भाग टूट जाएगा और टूटने से पहले क्या होगा, यह चटकेगा, चटकन की क्रिया होगी, फिर क्या होगा इसमें दरार बनेगा और दरार चटकेगा, दरार बनेगा और उसके बाद क्या होगा, वह भाग टूट जाएगा अर्थात भ्रंश का निर्माण होगा। तो देखो क्या लिखा, दबाव व तनाव बल दोनों के कारण जो है कि क्या होता है, भ्रंशन की क्रिया होती है। अर्थात देखो आप कोई चीज है जैसे ये है, इसको दोनों तरफ से बच्चों क्या करो दाबो, जब दोनों तरफ से दाबोगे तो बीच में क्या हो जाएगा, यह टूट जाएगा और टूट कैसे जाएगा, एक भाग दूसरे ऊपर पहले ओवरलैप होगा फिर टूट जाएगा और जब ये टूट जाएगा तो क्या होगा, इससे ये टूटा हुआ जो भाग है इसी को हम बोलते हैं भ्रंशन की क्रिया। अर्थात ये भाग इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचने से टूटे या फिर दोनों डायरेक्शन से हम दाबे और एक दूसरे को ओवरलैप हो जाए तो टूटे, तो भी क्या है भ्रंशन की क्रिया। भ्रंश को आसान शब्दों में समझो, दीवार आप देखते हो चटकती है, फिर वो दीवार दरार थोड़ी सी बड़ी होती है उसमें जब छेद जैसी संरचना हो जाए इसको बोलते हैं भ्रंशन। तो यहां पर लिखा है दबाव और तनाव दोनों बलों के द्वारा क्या होता है, ये भ्रंशन की क्रिया होती है, लेकिन तनाव के कारण क्या होता है, ये ज्यादा होता है। तनाव के कारण दो भूखंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में आप देख सकते हो मूव करते हैं, इससे क्या होता है भाग बीच में से टूट जाता है और यह जो बीच का भाग टूट गया इससे क्या हुआ भ्रंश का निर्माण बना, तो इसको बोलते हैं सामान्य भ्रंश। अब चूंकि यह वाला भाग टूटकर दोनों अलग जा रहे हैं यहां पर एक नई घाटी जैसी संरचना का विकास हो रहा है, इससे क्या होता है कि देखो इससे क्या होता है इसको सामान्य भ्रंश बोलते हैं और इससे भूपटल में क्या होगा प्रसार होगा। प्रसार कैसे होगा, यहां पर एक नई घाटी जैसी संरचना बन जाए, अर्थात यह वाला भाग इस डायरेक्शन में मूव कर गया, यह वाला इस डायरेक्शन में भाग मूव कर गया, तो बीच में जो घाटी नुमा संरचना बनी इस एक घाटी कहां बन रही, स्थलीय भाग में बन रही है, तो इससे क्या होता है स्थलीय क्षेत्र का प्रसार होता है। तो देखो इसमें दोनों ओर के जो भूखंड है जब विपरीत दिशा में खिसकते हैं तो बीच वाला भाग खंड क्या हो जाता है नीचे गिर जाता है और इसी को बोलते हैं भ्रंशन की क्रिया। ठीक है बच्चों, भ्रंशन की क्रिया। दूसरा है उत्क्रम भ्रंश। पहला हो गया हमने सामान्य भ्रंश पढ़ा, ठीक है ये देखो सामान्य भ्रंश हमने पढ़ा, ठीक है बच्चों यहां पर देख सकते हो मैं जहां सर्किल कर। दूसरा है उत्क्रम भ्रंश। उत्क्रम जो भ्रंश है ये क्या होता है, दरार के कारण दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, अर्थात मान लो यह एक भाग है इस पर दोनों तरफ से क्या हो भाग पड़े तो कोई भाग टूट कर क्या हो जाएगा दूसरे भाग के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से यह जो भाग इतना बड़ा था टूट के इसके ऊपर आ जाएगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा सिकुड़ जाएगा और जब सिकुड़ जाएगा तो इस प्रकार जो भ्रंश बनेगा उसको बोलेंगे हम उत्क्रम भ्रंश। भ्रंश का मतलब टूट कर एक भाग दूसरे के ऊपर आ गया है इसको बोलेंगे उत्क्रम भ्रंश, रिवर्स भ्रंश। पहले वाले में क्या हो रहा था प्रसार हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है क्षेत्र का संकुचन हो रहा है और जब क्या होगा यह भाग टूट कर इसके ऊपर आ जाएगा तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और यहां से कोई नदी आएगी तो इससे क्या होगा जलप्रपात बनेगा। अर्थात जलप्रपात कैसा होता है खड़े ढाल से गिरता है, तो यहां पर भी यही चीजें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। पश्चिमी घाट जो पर्वत है वह क्या है अपने आप में एक कगार बना है और वह किसका एग्जाम्पल उत्क्रम भ्रंश का, और विंध्यन कगार में भी आप देख सकते हो वहां पर भी इस प्रकार के कगार और इस प्रकार के भ्रंश आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो एक होता है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश जब भ्रंश का हो समानांतर हो, अब देखो समानांतर कैसे, जैसे मान लो इस प्रकार की संरचना हो, अर्थात यह जो भाग है कुछ इस रूप में ढालदार संरचना बन जाए तो इसको बोलते हैं सोपानी भ्रंश। अब आता है एक समझने वाली चीज भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी को भी बहुत हम इजीली तरीके से समझेंगे और आज की क्लास थोड़ा सा छोटी रखेंगे बच्चों, ठीक है आज थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही तो क्लास थोड़ी छोटी सी रखेंगे। ठीक है ठीक है। भ्रंश घाटी जब दो भ्रंश तल या रेखाओं के बीच का भाग नीचे की ओर धस जाता है, अब देखो एक सेकंड, इसमें क्या है दो भ्रंश तलों या रेखाओं के बीच का भाग नीचे की ओर धस जाए और तब इसका निर्माण होता है,
ये देखो, ठीक है बच्चों, ये देखो इसमें क्या है, दो भ्रंश तलों या रेखाओं के बीच का भाग। अब देखो ये जो बीच का भाग क्या हो गया, नीचे की ओर धस गया, तो इस तरह से जो घाटी के निर्माण होता है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, और इसको ग्राबिन के नाम से भी जानते हैं। कैसे होता है ये देखो बच्चों, क्या होगा अगर मान लो यह वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, यह वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जाए, तो यहां पर क्या होगा, तनाव क्रिएट होगा, और तनाव क्रिएट होगा तो बीच वाला भाग टूट कर क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। और जब भाग टूट कर नीचे की ओर आ जाएगा तो इस तरह से जिस घाटी का निर्माण होगा उसको बोलेंगे हम भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी का क्लियर हो गया, भ्रंश घाटी कैसे बनती है फिर से यहां पर मैं आप बता दे रहा हूं। देखो यह वाला कोई भाग है और इसका यह भाग ऐसे, ठीक है। तो यह भाग क्या हुआ, बीच वाला टूटकर नीचे आया। टूटकर क्यों नीचे आया, क्योंकि यह इस डायरेक्शन में इस पर तनाव था, इस पर इस डायरेक्शन से तनाव था, यह वाला भाग यहां टूटा, टूटकर नीचे की ओर आ गया, इसी को भ्रंश घाटी बोलते हैं। यह भ्रंश घाटियां लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं और गहरी होती हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको मृत सागर जो कि जॉर्डन की भ्रंश घाटी है वहां पर देखने को मिलेगा। और यह जो जॉर्डन की भ्रंश घाटी है ये समुद्र तल से भी नीचे है। अफ्रीका में जाएंगे, आप न्यासा झील का नाम सुना होगा, रुडोल्फ झील का नाम सुना होगा, टांगानिका झील का नाम सुना होगा, अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील का आपने नाम सुना होगा। ये सभी क्या है, इसके एग्जांपल हैं। नर्मदा, ताप्ती, ऊपरी दामोदर जो नदियां हैं यह भी क्या होती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो आपको पता है आप जब भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों का नाम लेते हो, नर्मदा का नाम लेते हो, ताप्ती का नाम लेते हो, और दामोदर नदी का जो ऊपरी भाग है उसमें, तो इसका मतलब क्या चला कि जो भ्रंश घाटियां होती हैं इसमें कई प्रकार की झीलें और नदी घाटियों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मैं आगे तेजी से बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है इसलिए हम जल्दी क्लास को थोड़ा सा खत्म करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ठीक इसी तरह से जैसे भ्रंश घाटी आपने समझा, इसी तरह से है एक रैंप घाटी। ठीक है, रैंप घाटी इसका क्या होता है, रैंप घाटी का मतलब क्या होता है, देखो बीच का भाग क्या है, यथावत रहे और ठीक है। तो देखो भ्रंश घाटी में क्या हुआ था, यह भाग नीचे हट गया था, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक सेकंड इरेज करना, हाँ इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो कि यह जो दोनों भाग हैं यह क्या हो, ऊपर की ओर उठ जाए, अर्थात बीच का भाग अपनी जगह पर रहे और जो किनारे वाले भाग हैं वह क्या करें, ऊपर की उठ जाए। तो इसको बोलते हैं रैंप घाटी। भ्रंश घाटी में क्या हो रहा था, बीच वाला भाग नीचे आ रहा था, इसमें क्या होता है, बीच वाला भाग अपनी जगह पर, साइड वाले भाग क्या हो रहे हैं, ऊपर की ओर उठ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रैंप घाटी। अब उसके बाद क्या होगा, अगला जो है वह है ब्लॉक पर्वत, इसी से जुड़ा हुआ है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत तो जो बीच का स्तंभ क्या हो, यथावत रहे और दोनों किनारे के नीचे धस जाएं। अब देखो यह बीच वाला भाग है बच्चों, ऐसे ऐसे, ठीक है, हाँ ये देखो, तो बीच वाला जो भाग है वह अपने स्थान पर रहे और दोनों किनारे के स्तंभ क्या हो, नीचे की ओर धस जाएं, जैसे ये आप देख सकते हो। तो इस प्रकार जो उठा हुआ पर्वतीय क्षेत्र बनता है, इस प्रकार के पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। और ये जो ब्लॉक पर्वत होता है इसका एग्जाम्पल सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, सियरा नेवादा पर्वत के रूप में आप देख सकते हैं। सियरा नेवादा को आप पहले ही देख चुके हैं। कैसे निर्माण होता है कि बीच का कोई भाग है अपनी जगह पर रहे स्थावर, लेकिन जो साइड वाले भाग हैं उन पर इस तरह से फोर्स पड़े कि वो नीचे की ओर हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। अगला जो है वह है हॉर्स पर्वत। और हॉर्स पर्वत कैसे है कि किनारे का स्तंभ अपनी जगह पर और बीच का भाग ऊपर उठ जाए। तो मान लो अभी इसको हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसे, ठीक है, हॉर्स पर्वत किनारे का स्तंभ अपनी जगह पर, ठीक है, किनारे का जो स्तंभ अपनी जगह, बीच का भाग ऊपर
उठते हैं। तो ये देखो पहले ये भी इसी के बराबर हुआ करता था, लेकिन नीचे से फोर्स पड़ा किसी कारण से और ये ऊपर उठ जाए, तो इसको बोलते हैं हॉस्ट पर्वत बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हॉस्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत में क्या क्या, ब्लॉक पर्वत में क्या हो रहा था, यह जो भाग था अपनी जगह पर रह रहा था, यह भाग नीचे आ रहे थे, यहां पर क्या है कि यह भाग अपनी जगह पर है और यह भाग क्या हो गया, ऊपर आ गया है। तो जब ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं हॉस्ट पर्वत, और जो ब्लॉक पर्वत है उसका मतलब ब्लॉक मतलब अपनी जगह पर स्थिर है, साइड वाले क्या हो गए, नीचे आ गए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब बच्चों यहीं तक रखते हैं, ये जो आपका जो है ना बहिर्जात बल, ठीक है, इसको थोड़ा कल करेंगे, है ना। सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज तो थोड़ा सा क्लास को आज यहीं पे रोकना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आई एम सॉरी, पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज आप बताइए यहां तक समझ पाए क्या, यहां तक समझ पाए क्या, प्लीज बताइए। अब बताइए आपके जितने प्रश्न हो आप बताइए, आपके प्रश्नों का जवाब देके जाऊंगा मैं, प्लीज बताइए 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 प्लीज। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न, ठीक है ठीक है ठीक है, और किसी का प्रश्न। चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोग आए। कल जो है कि बहिर्जात जो बल है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।